यहाँ का मैंने सोचा था तब जैसे हम ओबी जाओ ना। तो हे गाइस वेलकम टू योर बैक टू अ न्यू एपिसोड। तो गाइस आज का ये सीन है कि आज हमारी गाय ना जो 4-5 महीनों के लिए यहाँ रहती थी और वो आज ऊपर वाले छाने में जाएंगे 2-4-5 जितने भी महीनों के लिए जाते हैं। और भाई ना ऐसे ना पहाड़ों में हर कोई करता है 2-3 महीने यहाँ 2-3 महीने वहाँ अलग अलग जगह जाते रहते हैं 2-3 जगह। और भाई लोगों का काम रहता है मतलब गाँव से थोड़ा थोड़ा दूर रहता है 2-3 किलोमीटर ऐसे ही। और वैसे ही हमारे गाय भी आज ऊपर वाले छाने में जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना सारा सामान बाहर फेंक दिया है मतलब बाहर निकाल दिया है जो कि ऊपर वाले छाने में ले जाने हैं। और हमारे घोड़े भी ना यहीं आ रखे हैं और उनको भी ले जाते हैं उनमें सामान। दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से उन्होंने सामान बाहर फेंक। यहाँ पे ना सारे कट्टों में भर दिए हैं और ये सोटी इन सोटे में ले जाएंगे जितना छोटे मोटे सामान होंगे सोटे में ले जाएंगे। और बर्तन भी बाहर निकाल दिए कुछ इतने से ही बर्तन रखे रहते हैं यहाँ पे छाने वाले घर में। और इतने सारे सामान हैं इनको ले जाना और ज़्यादा होंगे कोई अंदर ही अभी। तो गाइस जाने से पहले ना पूजा करते हैं और भाई भगवान को मानते हैं ना सारे लोग। और जाने से पहले ना पूजा करते हैं जैसे कहीं भी जाते हैं यहाँ से दूसरे वाले छाने में मतलब जब हमारे गाय एक छाने से दूसरे छाने में जाते हैं कुछ महीने के लिए तो ऐसी पूजा करते हैं हम डेली नहीं मतलब कि जब जाते हैं तब। अभी सभी चले गए हैं मतलब सामान लेके क्योंकि जल्दी जा रहे हैं वहाँ। और भाई मुझे ले जाना है बक्सा जो कि वहाँ पे ज़्यादा चूहे होंगे लिस्ट में सामान रखने के लिए वैसे ज़्यादा भारी तो नहीं है। तो चलो चलते हैं इसको लेकर के मिलते हैं ऊपर उस वाले टॉप पे। तो वैसे अभी फाइनली पहुँच चुके हैं हम छाने वाले घर के थोड़ा नीचे हैं। और यहाँ पर ना पूरा ग्राउंड ग्राउंड टाइप का है हल्का बहुत। और भाई इन जंगलों से ना बहुत चढ़ाई चढ़ के आए हैं हम बहुत चढ़ाई है जंगलों में। और भाई गाय भी आ चुके हैं यहाँ पे और मैं तो थक गया इस बक्से को लाते लाते। और यहाँ से दिखाता हूँ किस तरह का व्यू है पूरा जंगल एरिया टाइप का है। बीच में थोड़ा बहुत खालिस्तान है ना खाली है तो इसलिए ऊपर फिर भी जंगल है नीचे भी जंगल है बीच में थोड़ा बहुत ग्राउंड टाइप का है लोग रहते हैं यहाँ पे यानी कि 2-3-4 महीनों के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं हमें भी रहते हैं। और भाई यहाँ से तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम तिम्दो बिकॉज मैंने सोचा था कि पहले मैं पूछा हूँ कि मम्मी पापा नहीं आए पापा जी तो पहले ही आ चुके हैं और हैं और मम्मी लोग ना नीचे पे आ रहे हैं। और यहाँ पे ना ब्लॉग बनाने का नहीं हो रहा ज़्यादा हवा और ब्लॉग में और तब इस पर ना ज़्यादा हवा आ रही है इसलिए ज़्यादा मेरी आवाज़ क्लियर भी नहीं आ रही होगी। और मम्मी लोग बाय द वे नीचे पे आ रहे हैं। यहाँ का मौसम ना इतने जल्दी चेंज हो जा रहा भाई अभी ना लिटरली बाहर भयंकर वाली हवा हो रही और ठंड भी इतने भयंकर हो रही है ना बारिश स्टार्ट हो गई गाइस। यहाँ पे ना नीचे पे गाय है और तेज हवा चल रही है यहाँ पे और ठंड भी भयंकर हो रही है। यहाँ पे है गाय और जो कि घर आ रहे और इस तरफ है खच्चर। ओ भाई देखो यहाँ पे पन्नी पुन्नी कैसे उड़े आइए हमारा घर और मैं नीचे आ रहा हूँ भाई एक मिनट भी बाहर नहीं रह सकते गाइस यहाँ पे गाइस ना बाहर ना ओले पड़े ये देखो पूरे वाइट हो रहा हल्का। और भाई यहाँ का मौसम ना आज पता नहीं क्या हो गया मौसम गाँव में पता नहीं बारिश लगी हुई है पता नहीं इस साइड तो मौसम साफ दिख रहा है और भाई बाहर जा नहीं सकते भाई ये चक्कर ओले पड़े यहाँ पे। और मैं बताऊँ कैसे और खाऊँ गाइस यहाँ ना थोड़ा देर के लिए ओले पड़ने स्टार्ट हो गए थे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में टॉप और भाई यहाँ मैंने थोड़ा बहुत बारिश बूंदी। और ये ना ठंड से बचने के लिए ना
बचपन वाली जैकेट काम आ गई गाइस, इसलिए बचपन में पहना करता था मैं इसको, और आज काम आ गई इस ठंड में। भाई यहाँ इतनी भयंकर, अभी तो ओले बंद हो गए, मतलब बारिश स्टार्ट बंद, हवा इससे पहले ना बहुत तेज हवा ही चल रही थी और बंद हो गई, और सारे घर अंदर ही बैठे हैं घर में, ये बाहर तो कोई नहीं आ रहा। फिर से धूप लग गई गाइस, पता नहीं यहाँ का मतलब अजीब ही मौसम है गाइस, अजीब ही हो रहा है मौसम। नीचे अभी भी ओले दिख रहे हैं हल्का बहुत, ऊपर से धूप लग गई, पता नहीं ठंड धूप पता नहीं, थोड़ी देर के लिए ठंड हो रही है, थोड़ी देर के लिए फिर धूप लग जा रही, और अभी धूप लग गई, इससे पहले थोड़ा देर बारिश लग चुकी है, और मम्मी लोग ना सारे अंदर ही बैठे हुए हैं, दिखा दो। ठंड होने है तीन गता कितने टाइम है, और यहाँ पे मेरा ही वीडियो दिख रहा। हम बिजोल ना ऑन है बिजोल दी तब गैस यहाँ ना पूरा अंदर धुआं धुआं दिख रहा धुआं धुआं बह रहा है, ऐसे रहते छानी वाले घर में। अभी शाम के बज चुके हैं 4 ऑलमोस्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा हो रही है गाइस, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी या नहीं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना गाइस, और सब्सक्राइब जरूर करना जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए